अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रीन युवा कंपनी के पैड्स के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में, और इससे आपको क्या क्या बीमारियों में और क्या क्या शिकायतों में आपको फ़र्क होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सफ़ेद कपड़ा होना, PCOD होना, PCOS, बच्चेदानी में फुंसियों का हो जाना, ईचिंग होना, इरिटेशन होना, रेडनेस होना, प्राइवेट पार्ट की जगह पर रेडनेस का आ जाना, पक जाना, फुंसियों का होना, पैड जो है लीकेज हो जाता है। अक्सर हम लोग जब पैड इस्तेमाल करते पैड ओवर ब्रीडिंग की वजह से लीकेज हो जाता है। कभी हम लोग ट्रैवल करते ट्रैवल में लीकेज का प्रॉब्लम आता है पैड का। उसके बाद में ब्लीडिंग का ज़्यादा, किसी किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी किसी को पीरियड्स आने के बाद ब्लीडिंग कम होती है, पीरियड्स जो है महीने को महीना नहीं आते हैं, फिर किसी किसी को बच्चेदानी में फुंसियाँ हो जाती है, किसी को फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं, तो उस चीज़ में जो है ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और इसके मज़ीद फ़ायदा ये है कि ये बॉडी में खून के दौरान को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पीरियड के टाइम पे या पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान आपको जो पेन होता है यानी दर्द होता है पेट में, कमर में, पैरों में, ये सब दर्द को भी ये थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह कम कर देता है। और ये बैक्टीरियाज को पैदा होने नहीं देता है। जो भी हमारा ब्लड रहता है वो गंदा खून जो हमारा पीरियड्स के दौरान निकलता है उसमें जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रीन युवा कंपनी के पैड्स के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में, और इससे आपको क्या क्या बीमारियों में और क्या क्या शिकायतों में आपको फ़र्क होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सफ़ेद कपड़ा होना, PCOD होना, PCOS, बच्चेदानी में फुंसियों का हो जाना, ईचिंग होना, इरिटेशन होना, रेडनेस होना, प्राइवेट पार्ट की जगह पर रेडनेस का आ जाना, पक जाना, फुंसियों का होना, पैड जो है लीकेज हो जाता है। अक्सर हम लोग जब पैड इस्तेमाल करते पैड ओवर ब्लीडिंग की वजह से लीकेज हो जाता है। कभी हम लोग ट्रैवल करते ट्रैवल में लीकेज का प्रॉब्लम आता है पैड का। उसके बाद में ब्लीडिंग का ज़्यादा, किसी किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी किसी को पीरियड्स आने के बाद ब्लीडिंग कम होती है, पीरियड्स जो है महीने को महीना नहीं आते हैं, फिर किसी किसी को बच्चेदानी में फुंसियाँ हो जाती है, किसी को फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं, तो उस चीज़ में जो है ये आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा। और इसके मज़ीद फायदा ये है कि ये बॉडी में खून के दौरान को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पीरियड के टाइम पे या पीरियड आने से पहले या पीरियड के दौरान आपको जो पेन होता है यानी दर्द होता है पेट में, कमर में, पैरों में, ये सब दर्द को भी ये थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह कम कर देता है। और ये बैक्टीरियाज को पैदा होने नहीं देता है। जो भी हमारा ब्लड रहता है वो गंदा खून जो हमारा पीरियड के दौरान निकलता है उसमें जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो मार्केट में जो पैड मिलता है मेडिकल में या शॉप्स में, विस्पर में, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं घरों में और सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्रीन युवा पैड्स में क्या फर्क है। तो फर्स्ट, ये जो इसका स्टिकनेस होता है ये फर्स्ट जो है हम लोगों का पेपर से बना हुआ होता है ग्रीन युवा पैड्स का। देन जो इसका पीछे का स्टिक करने का है ये भी बिल्कुल पेपर है, ना कि प्लास्टिक है। इसके अंदर कुछ भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो इसको स्टिक करने के लिए इस्तेमाल किया है, पंजेरी में जो झाड़ का गोंद आता है, दरख्त का गोंद, वो इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टिक करने के लिए। और जो ये पैड्स होते हैं उसके अंदर स्टिक करने के लिए बहुत हैवी केमिकल्स का स्टिकनेस यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमें पीरियड्स के टाइम पे इस्तेमाल करने से रेडनेस होता है, पक जाता है, वहाँ पे खुजली होती है। तो नॉर्मली एक दिन में एक औरत को जो है पीरियड आने के बाद ब्लीडिंग का होना 45 ml जाना चाहिए, तो हम लोग लेंगे 50 ml। देख सकते हैं आप, ये 60 ml का है इंजेक्शन। तो हम ये एक दिन की फुल ब्लीडिंग जो है हमारे ग्रीन युवा कंपनी के पैड्स पर डालने जा रहे हैं। सेम ब्लीडिंग जो है यानी सेम पानी जो है हम इसके अंदर भी डालेंगे, जो कि ये स्टेफ्री है, स्टेफ्री कंपनी का पैड है ये। देखिए ये हमारा ग्रीन युवा का है, बिल्कुल ड्राई है, और ये है मार्केट का पैड। आप फर्क देख सकते हैं, ये जो टिश्यू है ये पूरा गीला हो चुका है, और जो हमारा ग्रीन युवा कंपनी का पैड है बिल्कुल कच्चा है, इसमें कोई भी पानी है ही नहीं, और इसके अंदर पानी है, देख सकते हैं आप लोग, पानी है इसके अंदर, सूखा है ये, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको, आप हमने अक्सर पैड इस्तेमाल करे लेकिन हमने कभी इसके अंदर क्या है ये खोलकर कभी आज तक नहीं देखा, तो मैं आज आपको इसको खोलकर बताऊंगी कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये जो है बिल्कुल प्लास्टिक से बनता है, जो रीयूजेबल कचरा होता है, कचरे को जो है रीयूज किया जाता है और ये प्लास्टिक बनाया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। इसका फर्स्ट लेयर प्लास्टिक का बना हुआ है, जो हमारा कचरा होता है उसको हार्ड हार्ड केमिकल्स डालकर क्लीन करके इसको बनाया जाता है प्लास्टिक। ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक जिसको जो है 100 साल भी अगर हम मट्टी में रखेंगे तो ये मट्टी में वापस नहीं मिलेगा, वैसे कि वैसे मिलेगा 100 साल के बाद भी। और ये है कॉटन, ये भी हार्ड हार्ड केमिकल्स डाल के कॉटन को क्लीन किया जाता है, और फिर आप देख सकते हैं ये है कॉटन, ये पूरा प्लास्टिक का बना होता है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसको डालेंगे हम इस वाटर कंटेनर, वाटर ग्लास में। अब ये ग्रीन युवा कंपनी का पैड है, ये है इसकी फर्स्ट लेयर। ये है इसकी फर्स्ट लेयर जो कि कॉटन का कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा है, ये कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, कपड़ा है ये पूरा। और इसके अंदर है ये ग्रीन एनियन शीट,
यह है ग्रीन एनियन शीट। इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो है जो भी हमारे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं ये उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से पूरा ये काम करता है बॉडी में से इन्फेक्शन को निकालने का। यह है इसका सेकेंड लेयर। इसके अंदर है फ्रूट जेली। ये फ्रूट जेली है जो आपका पूरा ब्लड को सोक कर लेती है। अब हम डालेंगे इस पैड को, ये जो भी पूरी जेली है, ये जेली को जो है हम ये पूरी जो 3 दिन की ब्लीडिंग है हमारी, यानी 120 ml फुल ग्लास वाटर में मैंने इसको डाला है। आप देख सकते हैं ये जो है पूरा पानी को जो है ऑब्जर्व कर लिया, इसमें से कुछ भी पानी बाहर नहीं आ रहा, यानी ये जेली ने पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लिया। इसी तरीके से आपकी जो ब्लीडिंग होती है इसको ये जेली ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से आपको पैड लीकेज भी नहीं होगा और आपकी 3 दिन की इतनी ब्लीडिंग भी एक पैड सोक कर सकता है। आप इजीली एक पैड 1 दिन में यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर जो ये ग्रीन एनियन शीट है इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक पावर्स है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको जो भी पेन्स होंगे ये उसके अंदर आपको बेनिफिशियल होगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जो भी आपका इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जितना भी इन्फेक्शन होगा आपके यूट्रस में, वो पूरे इन्फेक्शन को निकालेंगे आपकी बॉडी से और आपका जो मंथली साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगा। आपकी जो बच्चेदानी में अगर फुंसियां होंगी, आपको पीसीओडी होगा, पीसीओएस होगा, आपकी बच्चेदानी पे सूजन होगी, हर तरीके की प्रॉब्लम को ये ठीक करेगा। और आपको इस अगर आप हमारे ग्रीन युवा कंपनी के अगर आप हमारे ग्रीन युवा कंपनी के पैड को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम के लिए, बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, सफेद कपड़ा हो, सफेद डिस्चार्ज होता है, इसलिए आपको कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।